दूसरी श्रेणी क्या थी? लोभ के कारण, कुछ चाहिए इसलिए चले गए वो। जैसे सब जगह यही होता है, अब कोई ऑफिसर को मनाता है, कोई खेल खिलाड़ियों में कैप्टन को मनाता है, वो कहता है कि हाँ मैंने नाश्ता तैयार करके रखा है तुम्हारा, आप बिल्कुल तैयार है बिल्कुल, तो वो खुश हो जाता है कैप्टन की कितना इसकी सद्भावना है मेरे प्रति। अब उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या स्वार्थ है, उसको ये लगता है कि मेरे को कितना लाइक करता है, मेरे को कितनी वैल्यू करता है, वो अपने काम के लिए कर रहा है। तो अगर आप जैन शासन के अंगभूत इन देवताओं की आराधना अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो फिर सम्यक दर्शन मलिन होता है, उसमें कांक्षा नाम का दोष। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक दृष्टियों को सम्यक्त के अतिचार नहीं होते, ये सम्यक्त तो प्रकृति के उदय में क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों को ही ऐसे दोष लगते हैं, कांक्षा अधिक। कैसा? हाँ नहीं, वो लोभ नहीं है, वो लोभ नहीं है। संकट के समय उनकी मदद लेना लोभ नहीं है, लोभ तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा का नाम है। संकट निवारण करने की भावना को लोभ नहीं कहते। जितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं लोभ से जा रहे हैं क्या? वो व्याधि के निवारण के लिए जा रहे हैं, लोभ के कुछ वहां से कुछ मिल रहा है क्या उनको, माल खजाना, बल्कि खर्च करना पड़ रहा है उनको, तो वो लोभ नहीं है। वो इसीलिए दो श्रेणियां बनाई ना, देखो इसको सम्यक्त का मल कहा, यानी इसको देवता मूड कहा कि अगर तुम लोभ से करोगे आराधना तो फिर तुम्हें ये दोष लगेगा। और उसके लिए क्या कहा कि अगर संकट निवारण के लिए इनकी मदद लेते हो। अब देखो, एक जिन भक्त दूसरे जिन भक्त से अपने संकट का निवारण करने के लिए संपर्क करता है और यथायोग्य विनय करता है, उसके जैसी आवश्यक है वैसे विनय करता है, तो उसमें सम्यक तो मलिन नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि व्रती नहीं कर सकते ये काम, अपना संकट दूर करने के लिए व्रती उनसे मदद नहीं लेंगे। जो धर्म के रक्षक देव हैं, जिन शासन के रक्षक देव हैं, उनकी मदद नहीं लेंगे। व्रती लोग भी विद्या देवताओं की मदद ले सकते हैं प्रसंगवश, विद्या देवता धर्म से भिन्न है। यह हो सकता है कि विद्या देवता की श्रद्धा जिनेंद्र भगवान के प्रति हो, पर जो आराधक और विद्या देवता के बीच का संबंध है उसमें कहीं धर्म का समावेश नहीं है। जैसे आकाशगामिनी विद्या है, अब आकाशगामिनी विद्या जो भी देवी होंगी, आकाशगामिनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी, उनको जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति हो सकती है, उनको साधुओं के प्रति भक्ति हो सकती है, लेकिन उस जो सिद्धि करने की विधि है उनकी, 12 वर्ष में या जितने भी समय में वो सिद्ध होती हो विद्या, वो विधि एक अलग विधि है। वो जो भी करेगा उसको वो विद्या सिद्ध होगी, चाहे सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो। विष्णु कुमार मुनिराज तो रिद्धिधारी थे, सिद्धिधारी नहीं थे। सिद्धि और रिद्धि में अंतर है। सिद्धि में साधना करनी होती है और रिद्धि में तपस्या और अपनी पवित्रता से शक्तियां अपने आप प्राप्त होती है साधु को। रिद्धि जो है वो आत्मशक्तियां हैं और सिद्धि जो है वो दैवी शक्तियां हैं। दोनों में अंतर है। सिद्धियां दैवी शक्तियां हैं और रिद्धियां आत्मिक शक्तियां हैं। और रिद्धियां बहुत दुर्लभ होती, बहुत दुर्लभ होती। सिद्धि दैविक होती है, विद्या देवता संबंधी भी होती है और अन्य भी होती है, कई प्रकार की सिद्धियां होती है। मंत्रों की सिद्धि होती है, तो मंत्रों की जो सिद्धियां होती है वो दैविक शक्तियों की सिद्धियां होती है।
क्योंकि मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं और अधिष्ठाता देवता देवियां भी होती हैं। नमोकार मंत्र के जो पांच पद हैं उन पांच पद के भिन्न भिन्न अधिष्ठाता देव और देवियां हैं, और बहुत बड़े बड़े महाशक्ति संपन्न देव देवियां हैं। तो अब किसी को मान लो नमो आयरियाणम की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो उस शक्ति के माध्यम से कई कार्य कर सकता है, कईयों का भला कर सकता है, अपना भी भला कर सकता है। होता ही है।